हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स किचन। शुरू करते हैं हम गाजर का हलवा बनाना। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं अराउंड 1 टेबलस्पून जितना घी लूँगी और उसके अंदर मैंने ये 1 बाउल जितना गाजर कद्दूकस किया है, इसको मैं अंदर डाल दूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम गाजर को घी में शेकेंगे। ये हलवा हम किसी भी मावा या मिल्क पाउडर के बिना ही बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाजर का कलर चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसमें 1 बाउल दूध डालेंगे। जो बाउल हमने गाजर लिया था वही 1 बाउल हमने दूध डाला है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितनी घर की मलाई डालते हैं, तो इससे हमारा जो हलवा है वो एकदम दानेदार और बहुत ही अच्छा बनता है। अब इन सभी चीज़ों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये दूध भी कम हो रहा है और हलवा अच्छा बन रहा है। तो ऐसे ही हम इसको उबालेंगे, सारा दूध जल जाए तब तक हम ऐसे ही उसको उबालेंगे। ये कुक होने को है। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून जितनी शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम मावे के बिना ये हलवा बना रहे हैं तो उसको थोड़ी देर लगेगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और दानेदार हलवा बनता है। अब 5 मिनट में हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमारा हलवा तैयार है, ये पैन से अब चिपकता नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट है, ये मैंने अराउंड 1 टेबलस्पून जितना लिया है। इसमें डालने से पहले मैंने इसको रोस्ट कर दिया था, तो ये ड्राई फ्रूट हमने अंदर डाल दिया है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हमारा हलवा भी एकदम तैयार है। तो हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। तो तैयार है हमारा गाजर का हलवा, जो हमने मावा और मिल्क पाउडर के बिना बनाया है। इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो तैयार है गाजर का हलवा। तुम्हें वीडियो उतारे।